टू माई चैनल। सो आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ी गार्लिक स्पिन व्हील बंस। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट। उसमें हम लोग 1/2 कप के करीब यानी 60 ml गुनगुना दूध डालेंगे। ये वार्म मिल्क है। और हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच शक्कर ताकि ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाए। और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टीस्पून ऑफ हनी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज करें या तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो 1 टीस्पून ऑफ हनी, इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे। और इसको 10 मिनट के लिए हम लोग ऐसे ढक के 10 मिनट का वेट करेंगे ताकि ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हो जाए। जैसे जैसे बनाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको प्रोसीजर मैं बताती जाऊंगी। फिलहाल तो 10 मिनट के लिए हम लोग वेट करते हैं ताकि ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाए। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। सो देखिए बहुत ही अच्छे से ईस्ट फर्मेंट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप यानी 240 ml ऑफ मैदा। और इसमें हम ऐड करेंगे चुटकी भर नमक। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब बटर। फिर इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे। तो देखिए हम लोग अच्छे से मिला चुके हैं। आटे को हमको तब तक मिलाना है जब तक कि पूरा अपना चिपचिपा बन जाए। देखिए हाथों को बिल्कुल भी नहीं लगा है, हम लोग को इस पोजीशन तक हम लोग को मिलाना है। और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर चाहिए, देखिए इस तरह। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। और साइड में भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि आप जब भी ये फूले यहाँ पे चिपके नहीं। और थोड़ा सा मैं ऑयल अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे साइड्स में भी मैंने ऑयल अप्लाई किया है। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए, अगर समर में आप लोग बना रहे तो 1 घंटा काफ़ी है, अगर विंटर सीजन में आप लोग ब्रेड या कुछ भी बना रहे तो इसको 2 घंटे तो चाहिए। और एकदम गर्म जगह पे इसको रखना चाहिए ताकि अच्छे से ये फूले। देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फिर से इसको ढकेंगे और 1.5 घंटे का इंतज़ार हम लोग करेंगे। तो मैं इसको प्लास्टिक रैप पेपर से कवर कर रही हूँ। आप चाहिए इस पर एक प्लेट भी ढक सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए इसको। तो हम लोग इस तरीके से इसको कवर करेंगे। अब हम लोग 1 से 1.5 घंटे का वेट करेंगे। 1.5 घंटे बाद देखेंगे आटा कितना फुल के आया है। तो 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे से फुल गया है। अब हम लोग सुराख को हटाते हैं। तो थोड़ा सा हाथ में आटा लगा के इसको अच्छे से इस तरीके से पंच कर लेते हैं। फिर हमको इसको अच्छे से मिलाना है। अब हम इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर निकाल लेते हैं, फिर इसके आगे के प्रोसीजर को जानेंगे। मैंने इसको किचन के प्लेटफॉर्म में निकाल दिया है। हाथ को थोड़ा सा मैदे का आटा डस्ट किया है, फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से हम लोगों को स्प्रेड करना है और मिलाते जाना है। तो इसको हम लोग इक्वल पोर्शन में इसको काट लेंगे। तो देखिए मैंने आटे को अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसको कट कर रही हूँ इक्वल पोर्शंस पे। तो 7 पोर्शंस है, एक एक उठाते जाएंगे, साइड में रखेंगे। तो अब मैं इसमें से 1 लोई ले रही हूँ। देखिए अब हम लोग इसको हल्के से प्रेस करते जाएंगे। मैंने नीचे थोड़ा सा आटा डस्ट किया है, मैदे का आटा है। सो बेलन से
अच्छे से हम लोग इसको जेंटली प्रेस करते हुए हम लोग रोल करेंगे। देखिए मैंने छोटे छोटे पूरी आकार में इसको बेला है। अब मैं इसमें बटर स्प्रेड करूंगी। देखिए ये बटर है और मैंने यहाँ पे दरदरा कूटा हुआ गार्लिक रखा है जो मैं अभी इसमें बटर में डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने गार्लिक डाला है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी पिज्जा मिक्स थोड़ा सा, फिर से हम लोग इसको मिलाएंगे। अब हम लोग जो यहाँ पे पूरे आकार में बेल के रखे हैं हम लोग उस पर अच्छे से लगाएंगे। इवनली स्प्रेड करना है, देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे मिक्सर को अच्छे से स्प्रेड किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट करके मोज़रेला चीज़। चीज़ आपको जितना पसंद हो उतना डालिएगा। तो चीज़ को मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको हल्के से उठाऊंगी और इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से अपने को फोल्ड करना है। अब हम इसको अच्छे से रोल करेंगे। ज़्यादा अपने को प्रेस नहीं करना है वरना फटने के चांसेस बहुत है। दैट्स इट। सो इतना करना है। और मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम टिन लिया है जो मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है ऑयल से। तो ऐसे इसमें मैं एक एक लोई रखते जाऊँगी। सेम प्रोसीजर मैं सारे लोइयों के लिए रिपीट करूँगी। तो देखिए मैंने दूसरी लोई लिया है और सेम प्रोसीजर मैं रिपीट कर रही हूँ। आटा डस्ट करेंगे, फिर इसको हल्के से पूरी के आकार में बेलेंगे। इसको ये बटर का पेस्ट लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको स्प्रेड किया है। अब सेम प्रोसीजर मोज़रेला चीज़ इसमें हम लोग ग्रेट करके डालेंगे। जितना ज़्यादा पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे जैसे पहले लोई को हमने किया था। बहुत ही प्यार से इसको करना है, बहुत जोर लाइन नहीं लगाना है। फिर हल्के से रोल कीजिए, ये नीचे का हिस्सा ऐसा प्रेस कर सकते हैं। फिर से मैं इसको सिटिंग में रख रही हूँ। हाँ, इतना ध्यान रखें जब भी आप लोई रखें डिस्टेंस मेंटेन करें थोड़ा बहुत, क्योंकि ये फिर से फूलेंगे एक दूसरे को चिपकेंगे। तो सेम प्रोसीजर मैं हर एक लोई को रिपीट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से सारे स्पिन व्हील्स को बना दिया है। अब मैं इसको कवर करूँगी लगभग एक घंटे के लिए। फिर से हम वेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर से कवर कर रही हूँ। आप चाहे तो इस पर प्लेट भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से कवर करिएगा। तो देखिए मैंने इसको बहुत टाइटली कवर किया है। आप चाहे तो इस पर प्लेट भी रख सकते हैं। अब हम लोग फिर से एक घंटे का वेट करेंगे। घंटा हो चुका है एक घंटे से। देखिए बहुत अच्छे से फुल के आया है। अब हम इस ब्लैक पेपर को हटा देते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं इसमें थोड़ा सा एक दो चम्मच मैंने मिल्क लिया है, उसमें से थोड़ा शुगर मैंने एक चम्मच के करीब शुगर ऐड किया है। हल्के से इस पूरे बंस पे हम लोग स्प्रेड करेंगे। हल्के हाथों से लगा देंगे, हल्के से ब्रश कीजिएगा ताकि इस पे कलर अच्छे से आ जाए। तो देखिए मैंने सारे बंस पे अच्छे से ब्रश किया है मिल्क से। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखा है प्री हीट करने के लिए। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट से हम प्री हीट कर रहे हैं इसको। अब मैं इस टिन को इसमें रखूँगी, इस कढ़ाई में। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आधे घंटे के लिए बेक करने छोड़ देंगे। तो देखिए 20 मिनट हो चुका है। तो बंस को साइड से हम लोग स्क्रैप करेंगे हल्का सा। पहले फ्लेम को बंद कर लेंगे। देखिए इस साइड से आसानी से छूट रहा है, देख सकते हैं आप। अब हम स्ट्रिंग को बाहर निकालेंगे और इसको फ्लिप करके फिर से डाल देंगे। बहुत आराम से निकालिएगा वरना ये पूरे के पूरे टूट जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो देखिए मैंने पूरे साइड से स्क्रैप कर लिया है और इसको बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि बहुत गर्म है टिन। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। देखिए अब फिर से हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर देंगे। इधर जाएंगे ये, देखिए
कलर देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। अभी हम लोग इसको फिर से 5 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो मैं फिर से वही कढ़ाई पे रख रही हूँ सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से हम लोग चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने फ्लेम को टर्न ऑफ किया है। अब टिन को बाहर निकालेंगे, आराम से बाहर निकालेंगे, फिर इसको फिर से फ्लिप करेंगे। देखिए हमारे पिनव्हील ब्रश तैयार है, बहुत ही अच्छे से बना है। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे ताकि इस पर और कलर अच्छे से निखर आ जाए। तो हम इसमें से अभी एक ब्रेड लेंगे, फिर इस पर हम डालेंगे चीज़ ग्रेट करके, जितना पसंद है उतना चीज़ डालिए। फिर इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा फ्लेक्स थोड़ा सा, तो देखिए हमारा चीज़ी गार्लिक पिनव्हील ब्रेड तैयार है। हमने इसमें जब बना रहे थे तभी भी हम लोगों ने इसमें डाला था। देखिए बहुत ही अच्छे से बना है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।